हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज का देखिए मौसम कि कैसा ही सुहाना मौसम है। ये देखिएगा गाइस, ये देखिए मौसम, आज का मौसम कितना बादल है, बारिश हो रही है हल्की हल्की मध्यम मनकन धीमे धीमे। तो हेलो गाइस, मैं चलती हूँ किचन की तरफ और आज मैं बनाऊँगी दही बड़ा और बेसन की मिर्चा दही बड़ा। आप लोग देखिएगा, मैंने सामान तैयार कर लिया है दही बड़े का और मिर्चे का, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये गाइस रही दाल, ये रही दाल गाइस, ये रही है दाल जिसमें मैंने डाला है उड़द की दाल और चने की दाल और खड़ी मूंग, इतनी चीज़ें इसमें गाइस डाली हैं। और ये देखिएगा, ये गाइस, ये देखिएगा इतनी चीज़ें डाली हैं मैंने। और ये गाइस है, ये मैंने बेसन, ये मैं बनाऊंगी बेसन की मिर्चा। ये रखी हुई बेसन काट काट के मैंने, सजी मिर्चा तो पूरी पूरी फुल नहीं अच्छी होती, इसको मैंने देख के धुल के चार दो पीसों में काट लिया है गाइस। और ये बेसन, बेसन का बैटर तैयार कर लिया है मैंने। और ये मैं बेसन की मिर्चा बनाऊंगी गाइस, और मैं बनाऊंगी ये दही बड़ा। तो ये भी दाल तैयार हो गई है, मैंने शाम को पीस के रख दी थी। बहुत अच्छा सा मेरा दही बड़ा बनेगा, इससे अच्छा से सॉफ्टी सॉफ्टी बनेगा। और ये मैंने डाल दिया गाइस कढ़ाई में तेल, और अभी जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा फिर आप देखिएगा मैं बनाऊंगी दही बड़ा। ये देखिएगा, ये बनेगा इस तैयार कर लिया है दही। इसमें मैं मिर्चा भिंगाऊंगी और दही बड़े भिंगाऊंगी इसमें। तो गाइस अब हमारी बनने जा रही है, ये देखिएगा मिर्चा मैंने यूँ ही बेसन में लगा ली गाइस, ये देखिएगा ऐसे करके। और मैंने यूँ ही कढ़ाई में यूँ डाल दिया गाइस, ये देखिएगा, ये देखिएगा पकने लगी है, भूनने लगी हमारी मिर्चा। ये गाइस देखिए मैंने कितनी दूरी लगा रखा है, ये गाइस देखिएगा, ये भी रखी मैंने गाइस। ये देखिएगा, ये गाइस डाल दी मैंने मिर्चा, ये देखिएगा। पहले मैं आपको मिर्चा बना के दिखाती हूँ, उसके बाद में मैं दही बड़ा बनाऊँगी। ये गाइस पड़ गई, और अभी देखिएगा अभी इतनी बची हुई है गाइस, तो मैं एक बार में इतनी ही डालूंगी, एक और डाल देती हूँ प्लीज। और इसके बाद में अगली बार डालूंगी गाइस, ये देखिएगा। तो गाइस देखिए कैसे भून रही है मिर्चा, चटपट 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 भून रही है। और अब देखिए गाइस अब मैं इनको कैसे चलाती हूँ, देखिएगा ये देखिए गाइस मैं कैसे इनको चलाती हूँ, ये भून रही है, ये देखिएगा, ये गाइस देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए कैसे भून रही है हमारी मिर्चा एक साथ, ये देखिए मैंने कलर रखी है, ये देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए गाइस कैसे भून रही है खड़ी खड़ी मेरी ब्राउन कलर की। गाइस देखिए कैसे भून रही है, आपने दिखाया है ब्राउन कलर की मिर्चा है और ग्रीन, ब्राउन और ग्रीन मिलाकर के कितनी ही सुंदर लग रही है मिर्चा। आप देखिएगा, देखते रहिए मैं आपको मिर्चा खिलाती हूँ बना करके। और ये मोटी मिर्चा है, बहुत ही अच्छी बनती है, स्वादिष्ट बनती है। और मैं दही की मिर्चा बनाऊंगी, कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट मैं इनको दही में भिगाऊंगी और कुछ दही में भिगाने का कुछ अलग ही टेस्ट होता है गाइस। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस मुझे पानी का कैसे छन 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 बोल रहा है, ये देखिए। और आप भी बताइए मिर्चा खाइए बनाइए, देखिए मैं बनाऊंगी पूरा दिन रही मेरे साथ देखते रहेंगे, ये देखिए। ये देखिए तो गाइस अब हमारे बनने लगे हैं दही बड़े, ये देखिएगा गाइस मैं बना रही हूँ दही बड़े। और गाइस मैंने ये देखिए
जी गाइस मैंने डाल लिए हैं, या पहले हमारी बनी थी मिर्चा गाइस, और अब मैंने डाल दिए हैं ये दही बड़ा बड़ा डाल दिए हैं। दही तो गाइस मैं सॉरी दही तो मैं बाद में डालूंगी, मैंने दाल के पहले ये मैंने गाइस मिर्चा बना रखी है, और ये मैंने अपनी बड्डू के लिए सादा पकौड़ी बना रखी है, ये भी मिर्चा बना रखे हैं गाइस। और अब देखिए ये हमारे दाल के उड़द के और मूंग की पड़ी हुई दाल, उड़द की दाल पड़ी हुई और चने की दाल पड़ी है, इससे मैं बना रही हूँ बड़े दाल गाइस। ये देखिए कितने सुंदर से फूल गए हैं हमारे बड़े, ये देखिएगा आप देखते रहिए आप। और आप सारी चीज़ें लोग तो खाली बनाते हैं वो खाली उड़द की दाल का बनाते हैं खाली, बट मैं तीन दालों को मिक्स करके बनाती हूँ, मूंग की दाल और चने की दाल और उड़द की दाल, तीनों को मिक्स करके मैंने गाइस ये देखिए बना रही हूँ। ये देखिए कैसे सीख रहे हैं, पहले मैं बना बना के गैस रखती हूँ, बाद में इनको दही में डालूंगी। ये गैस देखिएगा कैसे सीख रहे हैं बढ़िया से, ये देखिए रेड रेड ब्राउन कलर की हो रहे हैं, जब ये ब्राउन कलर की हो जाएंगे गैस तब मैं इनको निकालूंगी। और मैं तो पहले भी बना बना के रख रही हूँ गाइस, बना बना के रख रही हूँ, बाद में इनको मट्ठी में भिगाऊंगी या मट्ठा या दही किसी भी चीज़ में भिगाऊंगी, फिर उसके ऊपर से तड़का लगाऊंगी। तो हमारे बहुत ही अच्छी मिर्चा हुई बेसन की, आपने कभी नहीं खाई होंगी बेसन की मिर्चा, और मैं आपको यहाँ पर बेसन की मिर्चा भी दही में खिलाऊँगी, आप ऐसे ही खाएँगे और दही में भी खिलाऊँगी। देखते रहिए मेरे, देखिए अभी गैस खूब अच्छा सा ब्राउन नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का ब्राउन हुआ गैस, देखिए मैं बना रही हूँ। ये देखिए सीखने वाला है गाइस, ये देखिए ब्राउन ब्राउन हल्का ब्राउन होने लगा है, ये देखिएगा। और मैं गाइस इनको बना के रख लेती हूँ, और आप भी दही बड़ा बनाइए मिर्चा बनाइए, बट इनमें क्या है जब दही में भिगाएगी तब ये फिर नमक डाल दो तो खट्टे हो जाते हैं, आप नमक मत डालिएगा गाइस, सारा सामान डाल दीजिएगा, दही डाल दीजिएगा, जीरा हींग से तड़का लगा दीजिएगा, बट खाली नमक मत डालना, जब आप खाइएगा तभी नमक डालिएगा, तो उससे क्या होता है हमारे दही बड़े खट्टे नहीं होते हैं, चाहे 8 दिन 15 दिन 10 दिन तक चाहे जब तक गैस करके रहिए आप वैसे ही मिलेंगे। ये देखिए अब हमारे जो है बड़े सीख गए हैं, सीखने वाले हैं, थोड़ा ही बाकी और रह गया है। ये देखिए मैं लौट पलट के उलट पलट के मैंने कैसे इनको सेक रही हूँ, और अब ये हमारे दही जो है बड़े बनके तैयार हो गई है। ये देखिए गाइस, और मैं इनके प्योर निकाल देती हूँ, ये देखिएगा गाइस। और तब तक के लिए रही आप जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में, देखती रहिए, अभी दही बड़े की पूरी प्रोग्रेस नहीं हुई है, जब पूरे बन। ये गाइस देखिएगा कैसे सीख रहे हैं बढ़िया से, ये देखिए रेड रेड ब्राउन कलर की हो रहे हैं, जब ये ब्राउन कलर की हो जाएंगे गाइस तब मैं इनको निकालूंगी। और मैं तो पहले भी बना बना के रख रही हूँ गाइस, बना बना के रख रही हूँ, बाद में इनको मट्ठी में भिगाऊंगी या मट्ठा या दही किसी भी चीज़ में भिगाऊंगी, फिर उसके ऊपर से तड़का लगाऊंगी। तो हमारे बहुत ही अच्छी मिर्चा हुई बेसन की, आपने कभी नहीं खाई होंगी बेसन की मिर्चा, और मैं आपको यहाँ पर बेसन की मिर्चा भी दही में खिलाऊंगी, आप ऐसे ही खाएंगे और दही में भी खिलाऊंगी। देखते रहिए मेरे, देखिए अभी गाइस खूब अच्छा सा ब्राउन नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का ब्राउन हुआ गाइस, देखिए मैं बना रही हूँ। ये देखिए सीखने वाला है गाइस, ये देखिए ब्राउन ब्राउन हल्का ब्राउन होने लगा है, ये देखिएगा। और मैं गाइस इनको बना के रख लेती हूँ, और आप भी दही बड़ा बनाइए मिर्चा बनाइए, बट इनमें क्या है जब दही में भिगाएगी तब ये फिर नमक डाल दो तो खट्टे हो जाते हैं, आप नमक मत डालिएगा गाइस, सारा सामान डाल दीजिएगा, दही डाल दीजिएगा, जीरा हींग से तड़का लगा दीजिएगा, बट खाली नमक मत डालना, जब आप खाइएगा तभी नमक डालिएगा, तो उससे क्या होता है हमारे दही बड़े खट्टे नहीं होते हैं, चाहे 8 दिन 15 दिन 10 दिन तक चाहे जब तक गैस करके रहिए आप वैसे ही मिलेंगे। ये देखिए अब हमारे जो है बड़े सीख गए हैं, सीखने वाले हैं, थोड़ा ही बाकी और रह गया है। ये देखिए मैं लौट पलट के उलट पलट के मैंने कैसे इनको सेक रही हूँ, और अब ये हमारे दही जो है बड़े बनके तैयार हो गई है। ये देखिए गाइस, और मैं इनके प्योर निकाल लेती हूँ, ये देखिएगा गाइस। और
तब तक के लिए यार जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में, देखते रहिए। अभी दही बड़े की पूरी प्रोग्रेस नहीं हुई है, जब पूरे बन तो गाइस हमारे बन के दही बड़ा बन चुके हैं, कढ़ाई में से निकल चुके हैं। घी दिखी रखे हुए हैं गाइस, घी दिखी रखे हुए हैं और ये मिर्चा रखी हुई थी गाइस, ये दिखेगा तो ये दिखेगा गाइस। अब मैंने गाइस ये जो है इसमें मिर्चा भिंगा रखी है, आप देख लीजिएगा, ये दिखेगा कितनी सुंदर हमारी बेसन की मिर्चा तैयार हो रही है, मैंने दही में डाल दिया है। अभी इनके ऊपर से जीरे का तड़का लगाऊंगी, देखिएगा ये देखिएगा इस भींगने लगी कितनी सुंदर मिर्चा बनी। और यूँ मैं अब दही बड़ा डाल रही हूँ ये गाइस, ये देखिए ऐसे करके भिंगाती हूँ इसमें मैं दही में, ये देखिएगा देखिए इस तरह से भींग जाएंगे। और अब हमारे ये दही बड़ा बनके तो तैयार हो गए हैं गाइस, मैंने ऐसे भिंगा भी दिए हैं, तैयार भी हो गए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इनको ढक के रख दूँगी गाइस ये, और अब मैं जो है बाद में इनको थोड़ी देर के बाद में इनमें खाली तड़का मुझे लगा दूँगी। तो देखिए गाइस ये देखिए गाइस दही बड़ा हमारे, ये आपको दिख ही रहे हैं ना, ये दिखेगा ये, और ये हमारी गाइस है मिर्चा, ये दिखेगा। और ये मैंने अपनी बिट्टू के लिए, मेरी बिट्टू कुछ नहीं खाती तो मेरी बिट्टू सादा पकौड़ी खाती है, तो मैंने अपनी बिट्टू के लिए पकौड़ी बना रखी है गाइस। और अब हमारे दही बड़ा फूल मिला के पूरा तैयार हो गए, बस इनको क्या है जीरा हींग से मिलेगा इस तड़का लगाएंगे और तड़का लगा के आपको दिखाएंगे। फिर आप भी इसी तरह मेरी तरह से दही बड़ा बनाइए और खाइए, फिर कमेंट में बताइए कि दही बड़ा इस तरह से कैसे बनते हैं और दही की मिर्चा कैसे बनती है, आप जरूर जरूर कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस सब हमारे बन गए हैं दही बड़ा, अब मैं जा रही हूँ तड़का लगाने के लिए। तो देखिए गाइस मैंने ये रख दिया है फ्राई पैन, मैं ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है, ये देखिए ऑयल मेरा गर्म होने वाला है गाइस। और अब ये मसाला नहीं रखी है गाइस, मैंने इसमें डाल दिया जीरा, एक ही साथ मैंने दोनों में तड़का लगा दिया, ये देखिएगा गाइस ये मैंने एक पिंच और डाल दिया गाइस, ये देखिएगा एक पिंच और डाल दिया मैंने, क्योंकि दो चीज़ें हैं गाइस, मैंने तो दो पिंच जीरा डाल दिया है। और अभी ये देखिएगा कैसे भी भून रहा है ये जीरा, अच्छा से ब्राउन नहीं हुआ, जब ब्राउन हो जाएगा गाइस तब मैं इसमें हर जब गाइस ये ब्राउन हो जाएगा मैंने तब मैं इसमें जो है हींग डाल दूँगी। देखिए गाइस देखिएगा ब्राउन हो गया है। और अब मैं इसमें गाइस ये रही, अब मैंने इसमें डाल दी गाइस हींग, यूँ करके ऐसे करके मैंने देखिए घी डाल दी, क्योंकि मेरी हींग थोड़ी सी रह गई थी गाइस, तो मैंने पूरी सारी डिब्बी की जार दी। और मैं थोड़ा सा इसको और भून लूँगी, ये देखिए कैसे ब्राउन जीरा हो रहा है, ये देखिएगा कैसे ब्राउन ब्राउन हो रहा है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ गैस, और देखिएगा गैस ये हमारे दही बड़े रखे हैं और ये रखी है हमारी मिर्चा गैस। तो मैंने आधा सा कुछ भाग इसमें डाल दिया गैस, ये देखिए, और कुछ भाग मैंने गैस इसमें डाल दिया दही बड़े में। और ये अब हमारी देखिए, ये देखिए मैंने इसको ढक दिया गैस, अब हमारे दही बड़े और मिर्चा दोनों ही तैयार हो गए। आप दही बड़े का स्वाद लेके जरूर गैस, ये तैयार हो गए हैं। तो अब देखिएगा कितनी सुंदर इनका कलर लग रहा ब्राउन, ऊपर से जीरा ही पड़ा। अब जब मैं खाऊंगी और मैं सभी को घर में बांटूंगी, तब इसमें मैं नमक और थोड़ा सा बुकनू चाट मसाला डाल के ऊपर से दे दूंगी। जिसको प्याज और हरी मिर्चा खाना होगा तो प्याज हरी मिर्चा खा लेगा, मैं इसमें मतलब चिल्ली मिर्चा नहीं डालती हूँ क्योंकि इसका स्वाद बहुत ख़राब हो जाता है। इसमें ग्रीन मिर्चा डालूंगी ऊपर से काट काट के, प्याज डालूंगी जो प्याज खाता है, और बुकनू थोड़ी सी उड़का दूंगी, नमक लगा दूंगी, बस इसके बाद में इसी तरह से ये मिर्चा ऑब्जॉर्व की जाएगी। और आप खाइए इसी तरह से मिर्चा बनाइएगा, कैसी बनती है बताइएगा हमें ज़रूर कमेंट में, ज़रूर बताइए कि कैसी मिर्चा बनती है और कैसे दही बड़े में कैसे आप लोगों को ये मेरे बताए हुए तरीके से कैसे अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइए। तक जुड़े रहिए मेरे अनीता ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए यहाँ का मौसम बरसात हो रही है और मैंने भी पेड़ भी निकल गिर पड़े हैं, ये देखिएगा पानी भरा हुआ है।
देखिए कितनी भीड़ लगी, सभी को जाना ना तो पड़ता ही है। देखिए कैसे लोग चल रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ सी आ रही है रोड पर। है हमारे यहाँ, मुझे भी जाना पड़ रहा है, मैं भी बाहर जाती हूँ थोड़ा निकल के, और मुझे भी जाना पड़ रहा है। और ये देखिए गाइस रिक्शा कैसे भर भर के चल रहे हैं, ये है हमारी बलराम चुंगी। माधोपुर बारह साल का बच्चा है और ये ऑटो चला रहा है। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है। मैं वीडियो बनाऊं? वो नहीं, हम व्लॉग बनाते हैं, तुम चिंता नहीं करो बेटा, तुम्हारा कोई वैसा थोड़ी ना है। मैं मजबूरी है मेरे आगे, तभी मैं चला रही हूं। नहीं नहीं, हाँ हाँ तो तुम चलाओ बेटा, ऐसा कुछ नहीं, तुम गरीब हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई वीडियो बना, मजबूरी होगी तुम्हारे, हम समझते हैं। क्या पापा नहीं है घर में? हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तुम्हारा ऐसा वीडियो नहीं बना रहे। माधोपुर बारह साल का बच्चा है और ये ऑटो चला रहा है। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है। मैं वीडियो बनाऊं? वो नहीं, हम व्लॉग बनाते हैं, तुम चिंता नहीं करो बेटा, तुम्हारा कोई वैसा थोड़ी ना है। मैं मजबूरी है मेरे आगे, तभी मैं चला रही हूं। नहीं नहीं, हाँ हाँ तो तुम चलाओ बेटा, ऐसा कुछ नहीं, तुम गरीब हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई वीडियो बना, मजबूरी होगी तुम्हारे, हम समझते हैं। क्या पापा नहीं है घर में? हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तुम्हारा ऐसा वीडियो नहीं बना रही। DJ